हे गाइस, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो ये व्लॉग है वो काफ़ी क्वेश्चन से भरा होगा। मतलब आप लोगों को काफ़ी सारे आंसर्स मैं आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप लोग जो हैं काफ़ी दिनों से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूनम ने रिएक्शन देना बंद क्यों कर दिया, पूनम कहीं डर तो नहीं गई कोई केस वेस की वजह से, और पूनम मतलब डेली ब्लॉग क्यों लेकर आने लगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेती हूँ कि रिएक्शन, ठीक है, मैं हमेशा से कहते आई थी कि रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन के बदले रिएक्शन देना, ठीक है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि YT पर रिएक्शन के बदले रिएक्शन नहीं दिया जा रहा। YT से मतलब मेरा ये है कि जो हम लोगों का एक ये जो घेरा बना हुआ है, काफ़ी सारे लोग जान रहे हैं कि अभी क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। मतलब इवन आई एम शॉक्ड कि फेस्टिवल के समय भी लोगों में उथला पथली थी। मतलब लाइक इधर से रिएक्शन उधर से रिएक्शन, ये जो सब चीज़ें हैं, मतलब एटलीस्ट यार फेस्टिवल के समय तो आप लोग शांत होकर बैठ जाते। मतलब मुझे ये लगता है फेस्टिवल जो है, हम साल भर इस फेस्टिवल का इंतजार करते हैं और आप लोग इस फेस्टिवल के समय भी बच्चों को, पतियों को, माओं को, परिवार को, सबको बददुआएं देने पर लगे हुए हैं। ये कैसा रिएक्शन है? मतलब मुझे इस रिएक्शन का प्लीज अगर कोई आंसर कर सके तो आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। दूसरी बात ये ये बोला जा रहा है कि अलका से जो है पूनम का पैचअप हो गया है, तो पूनम जो है अलका जी के साथ जो है इस वजह से पैचअप में आ गई है कि पूनम को तो डर लग गया कि अलका जी ने पूनम के ऊपर केस कर दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, आप लोगों को याद होगा कि मैं जब अपना लाइव में आई थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें जब अलका जी को लेकर और अपने बीच में लेकर जब चीज़ों को पूरा डिफाइन आप लोगों को किया था, तो मैंने उस टाइम आप लोगों को बताया था कि मेरे पास नोएडा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। उसके बावजूद मैं लाइव आई थी। उसके बाद जब मैं दूसरी बार लाइव आई थी तो मुझे स्पेशल बोला गया था कि आपकी इस लाइव को SP, ACP, SHO पता नहीं कौन कौन देखेंगे। उसके बावजूद ये पूनम लाइव आई थी। तो ये बात आप लोग प्लीज कहना बंद कर दीजिए कि पूनम किसी भी चीज के डर से या पूनम किसी भी चीज की वजह से बैक स्टेप लेती है। पूनम कभी भी किसी चीज को लेकर बैक स्टेप नहीं लेती है। पूनम अपनी मर्जी की हमेशा से मालकिन रही है। पूनम सिर्फ कुछ लोगों से डरती है, वो भी एक ऊपर वाले से, अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, सिर्फ और सिर्फ। अदरवाइज मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और डरना भी किस बात का? आई एम ऑलरेडी, मेरी फैमिली में मैंने आपको बताया मेरे फादर इन लॉ दिल्ली पुलिस में है, ACP रैंक पर है। मुझे भी अपनी मर्यादाएं, मुझे भी अपने पूरी चीजों का पता है, क्राइटेरिया पता है कि मुझे कहां पर किस तरीके से अपने आप को रखना है, ठीक है। मैंने कभी भी इस तरह की कोई बदतमीजी किसी के साथ नहीं की जिसमें कि मैं एक क्रिमिनल बनूं, ठीक है। तो ये बातें प्लीज आप लोग कहना बंद कर दीजिए। रहा पैचअप का, पैचअप एक अलग चीज होता है। पैचअप के अपने एक क्राइटेरिया होते हैं। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के समय अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है उसके बाद पैचअप नहीं होता। हम भी इंसान हैं, ठीक है। हम लोगों को साथ है ना, सिर्फ द्वेष और ये सब चीजें लेकर नहीं जाना। तो मेरी डिक्शनरी में प्लीज ये सब चीजें है ना, आप लोग एड ऑन ना ही करें तो बेटर है। आप लोग सिर्फ अपनी अपनी चीजें, अपना अपना है ना एक घरोंदा मत बनाकर रखिए कि हु आई एम, मैं क्या हूं, ये सब लोग जानते हैं। और रहा रिएक्शन, रिएक्शन के बदले रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मैं जब रिएक्शन देती हूं तो उसमें सिर्फ मैं सामने वाले को और सामने वाला मुझे रिएक्शन दे, ना कि वो रिएक्शन मेरे परिवार पे जाए। उसमें मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का किसी तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि कुछ रिएक्शन इस तरीके के क्रिएट हो चुके हैं कि वो माँ, बहन, बेटियों, बाप, पति सब पर जा चुके हैं। तो सॉरी टू से, मैं ऐसी फैमिली से डिजर्व नहीं करती हूं, ना मेरी ये पर्सनालिटी है और ना ही मैं इस तरह के रिएक्शन इन फ्यूचर देने वाली हूं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम आप भी तो पिटारा को लेकर, सलमा को लेकर, इन सब को लेकर हमेशा रिएक्शन देती आई हैं। फर्स्ट हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अरमान से। अरमान के समय भी जब मेरा रिएक्शन किरण के साथ होता था तो किरण सिर्फ मेरे साथ रिएक्शन देती थी और मैं किरण को लेकर देती थी। किरण और हम लोग कभी भी फैमिली फैमिली पर नहीं आए,
फर्स्ट. सेकंड ये निशा लांबा का मैंने रिएक्शन दिया, तो निशा लांबा का रिएक्शन सिर्फ निशा लांबा तक था, अंजलि चौहान तक था. उसके बाद जहां बच्चों की बात आई तो स्पेशली मैंने ये भी वीडियो डाला था कि बच्चों को लेकर आप लोग कोई रिएक्शन मत दो. ये हम कोई वो नहीं है कि हम लोग गलियों की आंटियां हैं कि भाई यहां पर ए तेरी बेटी ये, ए तेरा पति वो, ए तेरी बेटी तो भाग गई थी, ए तेरा पति तो वहां भाग गया था. इसे रिएक्शन देना नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है कि आप एक गली में खड़े हुए हैं जहां से सारी आंटियां एक दूसरे को झाड़ू लेकर है ना रिएक्शन दे रही हैं. अगर आप इसे सो कोल्ड रिएक्शन का नाम देते हैं ना, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है. मैं ऐसे रिएक्शन में मैं कहीं नहीं आने वाली हूं. दूसरी बात, मैंने पिटारा को लेकर रिएक्शन दिया था, तो पिटारा की जो बातें वाईटी पर होती थी मैं उसी चीज को लेकर रिएक्शन दे रही थी, और खाली मैं नहीं थी लेकिन वहां पर हमारे बच्चों तक ये बातें नहीं आ रही थी. मैंने पिटारा को लेकर रिएक्शन दिया, लेकिन जब मैंने ये देखा कि पिटारा वो दलदल है जहां पर सिर्फ अंदर ही धसते चले जाओगे, लोगों को आप सारी चीजें क्लियर कर दोगे, उन्हें समझा दोगे, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा, तो मैंने पिटारा के लिए रिएक्शन देना बंद कर दिया था. फिर आया था नौशीन मुल्तानी का, जब मुझे लगा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की बेटी के बारे में गलत हो रहा है, तब मैंने रिएक्शन दिया था. फिर बारी आई थी उस देसी कुत्ते की, जब वो देसी कुत्ता हम लोगों को इतना गंदा बोल रहा था, औरतों को गंदा बोल रहा था, तब मैंने वहां पर आवाज उठाई थी. लेकिन उसके बावजूद देसी कुत्ता और हमारे बीच में रिएक्शन हुआ, देन ओवर हो गया. उसके बाद मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के ऊपर अब रिएक्शन नहीं दूंगी. रहा कौसर को लेकर हम लोगों ने बातें शुरू किया था, लेकिन कौसर का उनके साजिद जी के साथ मिलना हो गया था, जब वो हैप्पी है तो हमारा मतलब नहीं बनता कि हम जानबूझकर उस लाइन में कूदे. जब वहां से कोई चीजें नहीं हो सकती तो हम लोग क्यों बार बार डुशुम डुशुम करें किसी चीज के साथ यार. तो आप लोग ऐसे क्या बोलते हो, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं. हाँ, मैं रिएक्शन दूंगी, डेली व्लॉग भी मैं डालूंगी. डेली व्लॉग में हम लोगों को अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारी फैमिली को अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है, मेरे परिवार में मैं पूरा दिन के रूटीन में मैं क्या करती हूँ वो मैं अपने इस चैनल पर दिखाऊंगी. मेरे लिए चाहे 10 व्यूज आए, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 10 व्यूज भी अगर 10 लोग भी मेरे लिए टाइम निकाल कर मेरे उस व्लॉग को देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे कॉमेंट करते हैं, तो आई एम सो हैप्पी. मतलब आप ये सोचिए, हमारी चीजों को अगर 10 लोग भी पसंद करें तो आज 10 ने किया, कल 100 करेंगे, 100 से 1000 भी करेंगे, 1000 से लाख और लाख से करोड़ और अरबों भी करेंगे. तो मैं उस चीज का बिल्कुल वेट करूंगी और दिन पर दिन अपनी चीजों को बदलने की कोशिश करूंगी. कभी मैं दिखाऊंगी अपने ब्यूटी टिप्स दिखाऊंगी, कभी मैं मार्केट विजिट कराऊंगी, कभी अपनी फैमिली फंक्शन दिखाऊंगी. मैं अपनी फैमिली, अपने से रिलेटेड कि मेरा नेचर जानने का मौका आप लोगों को मिलेगा कि हु आई एम. हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा तड़क भड़क रहती हूँ, गुस्से में रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरा वो नेचर है ही नहीं. मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन यस, मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता. गलत फिर वो चाहे मेरे साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ. उसमें कई बार मुझे बुरा भी बनना पड़ा है, कई बार मेरे रिश्तों पे भी असर पड़ा है. तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है, मुझे यहाँ के इंसानों को कोई जवाब नहीं देना है. मुझे उन इंसानों को सिर्फ यही जवाब देना है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं हर बार मैं सही हूँ और ये जरूरी नहीं है हर बार आप लोग सही हैं. सही का मतलब वही है, सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं. तो प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिएगा. और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं अपने आप में वो लड़की हूँ कि मैं ना गलत करती हूँ और ना मैं गलत बर्दाश्त करती हूँ और ना मैं किसी चीज की वजह से झुकती हूँ. और ये बात जो आप लोग बार बार बोल रहे हो कि अलका जी के केस की वजह से पूनम अलका जी के साथ पैचअप में आ गई, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है. इस बात को मैं अलका जी के सामने डिफाइन कर सकती हूँ. मैंने अलका जी को कभी ये बात आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया कि अलका जी प्लीज आप इस केस को वापस ले लो, या मैं आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने जा रही हूँ, या मैं आपके साथ ये करूंगी वो करूंगी. कभी भी नहीं. मेरी और भले ही बातचीत हो जाए पर मैंने कभी केस को लेकर बात नहीं की है. हाँ, वो आरबीसी वाला जो केस उन्होंने एफआईआर लगाया था उसको भी लेकर मैंने यही बोला था, वो आप देख लीजिए आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ. मैंने आज तक मैंने उनको भी यही बात कही थी, वो मेरा इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस बात को एग्री करेंगे. मैंने एक बार जब उनसे कॉल पर बात किया था, जब हमारा थोड़ा सा फाइटिंग चल रहा था, तब भी मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर मैं गलत होंगी, आपने जो केस किया आप उसको बरकरार रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मैं गलत होंगी तो अच्छी बात है, मुझे गलती का सबक मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब गलत नहीं हूं. और आई नो कि मैं गलत नहीं हूं, ना थी ना होंगी, बिकॉज मैंने
नौशीन मुल्तानी को गाली दिया था क्योंकि नौशीन मुल्तानी ने मुझे चकले पे बिठाने की कोशिश की थी। देसी कुत्ते को मैंने जरूर गाली दिया था क्योंकि देसी कुत्ते ने मुझे बहुत गंदा गाली दिया था, अपने बाप के साथ रिलेशन में जोड़ा था। तो ऐसे लोगों को उनकी भाषा में अगर मैंने जवाब दिया, अगर इसे क्राइम कहा जाता है तो आई थिंक इसे क्राइम में मैं क्रिमिनल अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये चीजें पसंद आया होगा। एंड यस, जाते जाते मैं ये जरूर बोलूंगी, मैं रिएक्शन वो रिएक्शन दूंगी जैसे मैंने निशा लांबा जी को रिएक्शन दिया था। निशा लांबा जी के समय में रिएक्शन पे रिएक्शन गया था, जब चीजें थी तब हमने उसको रिएक्ट किया था, 3-4 वीडियोस में वो रिएक्शन ओवर हो गया था। इसे कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में हमने उसके करेक्टर को लेकर बात नहीं उठाई थी, रिएक्शन को लेकर मैंने उसके प्रोफेशन पे बात नहीं उठाई थी, रिएक्शन को लेकर सिर्फ मैंने जो उन्होंने बात कही थी मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को भी ऐसे रिएक्शन पसंद आएंगे। इन फ्यूचर मेरा रिएक्शन भी आता रहेगा, मेरा डेली ब्लॉग भी आता रहेगा, मेरे ब्यूटी टिप्स भी आते रहेंगे, मेरी डेली का क्या मैं करती हूँ, कैसे मैं करती हूँ, सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल मत सोचिएगा कि पूनम एकदम से गायब हो गई। पूनम सिर्फ फैमिली में अपना फेस्टिवल के समय बहुत सारे डेकोरेशन, परचेजिंग, शॉपिंग, ये बहुत चीजें हो रही थी। और कल भी भाई दूज है तो मैं कल भाई दूज का भी ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, यार आपस में फाइट करना प्लीज बंद करो। ये मोहल्ले वाली फाइटें अब आप लोगों की शुरू हो गई है, इसे वाईटी फाइट नहीं कहा जाता। वाईटी पर फाइट करना, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह फाइट कीजिए। और पर्सनल लेवल पर जो आप लोग बार बार चले जाते हो, ये चीजें जाना बंद कीजिए। माँ बाप बच्चों बेटियों को प्लीज आप लोग जो है बीच में इन्वॉल्व ना करें। सबके बच्चे हैं, सबकी अपनी फैमिली, उन बच्चों का क्या दोष है, हम लोग वाईटी पर बैठे तो आप लोग हमसे आपस में बात करो। क्या मतलब बनता है कि तुम्हारे 7 जन्म ऐसे होंगे, तुम्हारी मम्मी ऐसी होंगी, पापा ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे होंगे, क्या मतलब, किस तरह का आप अपनी पर्सनालिटी क्या दिखा रहे हो। मुझे लगता है ये पर्सनालिटी अगर है तो आप अगर ऐसे हो तो मुझे लगता है फिर वाईटी पे नहीं, गली में झाड़ू लेकर आप लोग अब खड़े हो जाइए और फटाफट से झाड़ू घुमाते हुए कहिए तेरी बेटी भागी थी, तेरा दामाद ऐसा है, तेरा चाचा ऐसा, तेरा चाचा लड़की ने लेकर भागिया। व्हाट इज दिस यार, नॉनसेंस है, ये सिर्फ नॉनसेंस है। और मुझसे इन नॉनसेंस रिएक्शन में ना आना बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करूंगी। और इस ब्लॉग के बाद, इस चीजों के बाद अगर मेरे लिए भी कोई रिएक्शन देना हो ना तो शौक से देना, क्योंकि मेरी गली के बाहर बहुत सारे डॉगी ऐसे, वो भौंकते रहते हैं, हम उनको शांत नहीं करवा सकते, सीधी सी बात है। आएंगे जो म्यूनिसिपलिटी वाले होते हैं वो उठाकर लेकर चले जाएंगे, हम लोगों को उसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और यस, मैं एक बार फिर आप लोगों को कह रही हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करवा लो, हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चों पर, पतियों पर, फैमिली पर जाना बंद करो। इसे रिएक्शन नहीं कहते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ आंटियों की लड़ाइयां कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ अलग रिएक्शन लेके, जिसमें कोई सितारा पिटारा सलमा फलमा ये कोई भी नहीं होगा। और ये जो अभी रिएक्शन चल रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा। हम रिएक्शन देंगे, काफी हटके रिएक्शन देंगे, जिसमें रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होगा, उनकी वाईटी से ही बातें उठाएंगे और उन्हीं की वाईटी का जवाब देंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।